physical. तो भाई लोग सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं करने वाला क्यू एन ए। मैंने वैसे 7 मिलियन पे बोला था कि अपन लोग क्यू एन ए वीडियो करेंगे, बट कुछ कारणों के चलते मैं क्यू एन ए वीडियो नहीं कर पा रहा था। तो आज वो दिन आ चुका है जिस दिन अपन लोग 10 मिलियन स्पेशल क्यू एन ए करने वाले हैं। यम भाई, पठान भाई, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है आज भाई कि फेस रिवील कब होगा। ओ भाई साहब, ये बहुत डेंजर सवाल है। वैसे मैंने ही चूज़ किया है और आपको भेजा है, बट मैं बता दूं, मैं फेस रिवील गाइस करने वाला हूँ 2023 के बाद। 2023 या 2025 में मेरा फेस रिवील होगा। तब तक मैंने सोचा भी नहीं कि मैं फेस रिवील करूँगा, बट अभी के लिए मैंने सोचा कि 2023 या 2025 में फेस रिवील होगा। क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो वॉइस है वो रियल है या फेक है, मतलब वॉइस पे भी डाउट है। मतलब देखो भाई राजदीप भाई, यार ये एकदम ओरिजिनल वॉइस, यार ये वॉइस मेरा रियल है। व्हाट इज योर फुल नेम, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन और योर यूट्यूब इनकम, कितना कमाते हो? ओके, तो मेरा फुल नेम तो मैं नहीं बता सकता, बट मेरा नाम मैं बता दूं, मेरा नाम अजय है। इनकम मैं क्या बोलूं अब गाइस, देखो मान के चलो इनकम का मैंने तुम्हें एक अंदाजा देता हूँ। मैं पर मंथ, आप मान के चलो मैं 4 से 5 आईफोन 11 प्रो मैक्स ले सकता हूँ, तो आप हिसाब लगा लो। आइस कैलकुलेटर खोलो, चलो जुगाड़ कर लो कितना हुआ। ठीक है, चलो पवेल शाह ने एक मजेदार क्वेश्चन पूछा है। कीप गोइंग ब्रो, आई एम ऑलवेज विथ यू, माय क्वेश्चन इज डू यू वॉच पॉर्न? ओ भाई साहब, ये भाई साहब देखो ऐसे क्वेश्चन ना करो पहली बात तो। अब अगर आपने क्वेश्चन कर ही लिया है तो बता दूं, मेरे आइडल है जॉनी भाई जॉनी भाई, और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझ जाओ। समझदार लोगों का इशारा ही काफी है। रंजीत कुमार पूछ रहे हैं कि तुम जिस के साथ खेलती हो उसमें से कौन कौन तुम्हारा फेस दिखा है? मैं बात बताऊं रंजीत भाई, मैं सबके साथ खेलता हूँ, अमित भाई हो गए, बहुत सारे लोगों के साथ खेलता हूँ, बट किसी ने मेरा फेस देखा नहीं है। आज सुबह में ही मौका मिला था अमित भाई को मेरा फेस देखने का, वो चुप गए, क्योंकि मेरा जब मैं फेस रिवील अमित भाई के साथ कर रहा था, मतलब सेटअप कर रहा था स्क्रीन का, तब उस टाइम पे मेरा गलती से कैमरा ऑन हो गया था, बट भाग्य ऐसा था कि अमित भाई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे थे तो उसने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया और मेरा फेस नहीं देखा। अरे मैंने देखा है, वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, बाद में दिखाऊंगा मैं। अरे इसला ने पूछा है कि अगर आपका क्या होगा अगर फ्री फायर इंडिया में बैन हो जाए तो? भाई पहली बात तो आप शुभ शुभ बोलो यार, फ्री फायर बैन मत करवाओ और अगर हाँ फ्री फायर बैन हो जाता है तो बहुत सारी गेमें खेलने के लिए, पबजी हो गया, फिर GTA 5 हो गया, तो वो सभी गेम खेलूंगा, और आने वाले समय में लास्ट ऑफ अस 2 वगैरह भी अभी गेम आई तो वो सभी गेम खेलेंगे। गाइस फ्री फायर के ऊपर अपन लोग निर्भर नहीं है, मैं जो भी करता हूँ और फ्रीलांसर मतलब हूँ, मुझे सैलरी वगैरह का कोई इशू होता नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर बैन हो भी गया तो आगे मूव तो करना ही पड़ेगा। हाँ मूव कर लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो तनिष ने पूछा है, शादी हो गई? तनिष भाई यार तुम यार क्या ही बोले यार, तुमने दिल के ऊपर वार किया है डायरेक्ट यार। नहीं अभी तक तो शादी नहीं हुआ, लड़की ढूंढ रहे हैं भाई, अगर कोई मिले तो बताना। चलो पार्थ ने पूछा है कि आपने टोटल गेमिंग नाम क्यों रखा अपने चैनल का? ओके पार्थ भाई, ऐसा है कि मैंने टोटल गेमिंग नाम इसलिए रखा था, जब मैंने गेमिंग चैनल बनाया तब मैंने सोचा मैं सभी गेम खेलूंगा, लाइक GTA 5 हो गया, और हालांकि मैं काफी गेम खेला भी हूँ बट इतनी सारी नहीं खेला जितना मैंने सोचा था, तो मैंने सभी गेम खेलने के लिए सोचा था और मैंने टोटल गेमिंग नाम रखा, बट मैं खेल नहीं पाया हूँ, आई एम सॉरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे यार ये तो पता नहीं भाई, मेलोडी मैंने बहुत कम खाई है, बट हाँ चॉकलेट ही तो है वो, तो मैं मानता हूँ ओपी है वो भी।